इस जिंद को और मारो। इसके सर में मारो जरा। सारो कैसो रात के समय बैठा, कैसो आओ सर में मारो इसके, गला पकड़ इसका, गला पकड़। रात के परेशान ना कर नालायक। ले कितनों ताकत बरत है बनो, कितनों ताकत बरत। सब प्रेतों को और चमीटा मारे जाए। बोलो बालाजी भगवान की, प्रेतराज सरकार की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। जितना तुम राम नाम का जप करोगे उतना ही प्रेतों को मार लगेगी। और जोर से चमीटा मारे जाए इन प्रेतों को। ओम एंग राम 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 जितना प्रेतों ने परेशान किया है उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। जो नचैया आया होगा, अरे रो भैया बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कल के लिए एक सूचना और है, सुन लो ध्यान से, अभी जाना नहीं है। कल अगर आप अपने घर पर नारियल लगाना चाहे, अपनी अर्जी लगाना चाहते हो घर की, पर्चा जिनके ना बन पाए, अपने अपने घर से एक लाल रंग का कपड़ा और नारियल लेकर के आना है। हम यहीं से सामूहिक अर्जी लगा देंगे, तुम घर पर नारियल रख लेना, पर्चा बने या ना बने बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। और प्रेत बाधा वाले रोगी के घर वाले सुन लो, जिनको प्रेत बाधा वा है, कल प्रेतराज सरकार का दरबार और लगेगा, लेकिन काले रंग का कपड़ा और नारियल लेकर के आवे तो प्रेत रोगियों की भी अर्जी लगा दी जाएगी। फिर बागेश्वर धाम पर ही सब प्रेत बंध जाएंगे आशीर्वाद। लेकिन 21 पेशी करना आवश्यक है, लगातार ना कर पाओ तो रुक रुक करके। सब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सभी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हाथ को ऊपर उठाओ, बैठ जाओ, बैठकर पे अर्जी लगवाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। प्रेतों से डरो मत, वो अपना काम सेना कर रही है, बालाजी की शक्तियां कर रही हैं, तुम तो बस भावपूर्वक बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। जरा सेनापति और जितने प्रेत हैं इनको गरम चमीटा की मार लगा के उठा पटक करो इनकी। ओम ओम ओम। अब जिनकी पर्चा नहीं बन पाए उनकी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो कल नहीं आ पाएंगे इसलिए अर्जी स्वीकार करवा देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम आजीवन पर्यंत आपके चरणों से जुड़े रहेंगे। हे बागेश्वर बालाजी, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आप लोग जो भी प्रश्न लेकर के अथवा अर्जी लेकर के
आप दरबार में आए हैं, मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं, यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं उन भक्तों पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। 3 बार दोहराएं, ओम 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 कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। आप लोग जो भी यहां विराजमान हैं या बाहर खड़े हैं, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें और बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें वो भी 7 बार एंटी क्लॉक में। अब दोनों हाथों को मलें, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाएं, अब आपको शरीर में जहां दिक्कत है वहां स्पर्श कराएं। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलें, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। देखो आपकी सामूहिक अर्जी स्वीकार हो गई है। आप राम नाम का जप करते हुए महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दो। और अभी 5 दिन की कथा बाकी है, कथा में कौन कौन आ रहा है। आज भी 4 बजे से कथा क्रम है, कथा को श्रवण करो। कल और बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगेगा। कल जो उपाय बताया है आप नारियल लेकर के आ सकते हो, धाम की पेशी अनवरत करो। बालाजी आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, अब आपको अपनी जिंदगी की सब चिंता नहीं करनी है, हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों में छोड़ दो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो जहां खड़े वहां बैठ जाओ। बहनों में जो सेवादार हैं, बहनों सेवादार कहां गई, उस बच्ची को बुलाना जो मास्क लगाए हुए नीली बहन बैठी है, नीला मास्क लगाए बैठी है आगे डी में। हाँ खड़ी हो जाओ। हाँ ये जो बच्ची खड़ी हुई है, हाँ ये पीली सूट वाली, हाँ आप लोग किसी भी कोने में बैठे रहना। ये वो दरबार है जहां भक्त और भगवान का सीधा नाता है। और हम फिर कहेंगे, पागलो हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो, हमारे पीछे भागना तुम बंद कर दो। तुम्हें भागना ही है तो बागेश्वर बालाजी के पीछे भागना प्रारंभ कर दो। आगामी दरबार काशी बनारस में लगेगा बिना टोकन नंबर का, तो काशी बनारस पहुंच सकते हो 13 और 14 तारीख को। जाओ, सबका भला हो, सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो। दिल्ली वासी हो तुम, बड़े भाग्यशाली हो जो आपको बागेश्वर बालाजी के दरबार के दर्शन प्राप्त हुए हैं। वरना इसी दरबार को दर्शन के लिए सालों की मेहनत मशक्कत करते हैं धाम पर। हम टीवी वालों से कहेंगे और आप सबसे भी कहेंगे, आए दिन बागेश्वर धाम के नाम से इस वीडियो को अलग काट करके डाला जाए, यहां ध्यान दिया जाए, इसको अलग डाला जाए। आए दिन बागेश्वर धाम के नाम से फ्रॉडगिरी की जाती है। धाम किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना मिलने के नाम पर ना टोकन के नाम पर। दूसरी बात, किसी भी सेवादार की धाम की कोई गारंटी नहीं है।
किसी सेवादार का ना नंबर लें ना अपना शोषण करवाएं। यहाँ भक्त और भगवान का मामला है। अगर आपको जुड़ना ही है तो डायरेक्ट बागेश्वर धाम के कार्यालय से जुड़ें, धाम से जुड़ें, ऑफिशियल पेज ऑफिशियल बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल से जुड़ें। दूसरी बात, हम एक तुम्हारी मदद चाहते हैं। बोलो कौन कौन देना चाहता है मदद? मदद में हम आपसे धन नहीं मांगना चाहते। आए दिन सनातन धर्म का विरोध करने के लिए, बागेश्वर धाम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं सनातन का खेल ऐसा ना हो जाए कि पूरा विश्व राम से जुड़ जाए। और जिन लोगों के नाम हम बताते हैं या जिनकी बुराई करते हैं या जिनकी हकीकत पोल खोल देते हैं, वो आए दिन उपद्रव करते रहते हैं। हम तुमसे मदद यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दो, ताकि सत्य की जीत हो और पूरे विश्व में राम नाम का प्रचार हो। चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, बताओ कौन कौन तैयार है ऐसे लोगों को मुंह की खानी दिखाने के लिए? अभी हिंदुओं ने एकता क्या दिखाई, बॉलीवुड वालों की थर थर कांप गई। ये हिंदुओं की एकता का कमाल है, उनके ठिकाने लग गए, चूल्हे में आगी लगना बंद हो गई। और तुम इस प्रकार अगर एकता दिखाते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी सनातन दरबार धाम पर उंगली नहीं उठाएगा। तो कौन कौन एक है? पक्का पक्का पक्का। पता है ये वीडियो क्यों बनाते हैं? व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में ये वीडियो बनाते हैं तरह तरह के। आए दिन हमारी लोग शादी करवा देते हैं, रोज हमारी शादी करवा देते हैं यूट्यूब पर। हाँ, रोज आए दिन ना जाने क्या क्या करवा देते हैं। ऐसे लोगों का देखना बंद करो।